नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन गौरव वल्लभ ने गुरुवार को बीदर का किया दौरा, जिला कांग्रेस कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीदर नॉर्थ से बीजेपी के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर ने आज बीदर के चौबारा इलाके का किया पैदल मार्च, लोगों से की मुलाकात, वोट देने की अपील। बसव कल्याण के कांग्रेस नेता विजय सिंह ने बसव कल्याण के बाबर बाग का किया दौरा। एनसीपी के बॉस बने रहेंगे शरद पवार, इस्तीफे पर विचार को हुए तैयार। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, 5 जवान शहीद, इलाके में इंटरनेट बंद। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन गौरव वल्लभ ने गुरुवार को बीदर का दौरा किया। बीदर के जिला कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें गौरव वल्लभ ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 40% भ्रष्ट सरकार है और उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार कांग्रेस पार्टी का साथ दें। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के गारंटी कार्ड के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस 140 सीटें जीतेगी और बिना किसी का समर्थन लिए अकेले ही सरकार बनाएगी। संवाददाता असलम खान के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर भी दिया। इस अवसर पर बीदर जिला कांग्रेस नवनियुक्त जनरल सेक्रेटरी एहसान कमाल परवेज और मोहम्मद नईम जॉर्ज उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की कवरेज। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 5 सीटों में तो मुझे रिजल्ट देखना ही नहीं, हम जीत चुके हैं और एक सीट में हम 1-to-1 कंटेस्ट में चल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ की इस बार 6 के 6 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आएगी और इस एरिया को उसका हक, हमारे जो MLAs हैं, जो नए 6 MLAs मिलेंगे, वो इस एरिया को इसका माकूल हक जरूर दिलवाएगी। अब ये तो इतना सर्वे मत पूछिए, नहीं तो कुछ बातें रखिए, पर मैं आपको एकदम टेक्निकल सर्वे की रिपोर्ट दे रहा हूँ। हैं जी, नहीं ये आप एज्यूम करते जाइए, पर मैंने आपको कहा 5 सीटों में मुझे रिजल्ट नहीं देखना, कांग्रेस जीत चुकी है एक सीट कंटेस्ट में। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, मेरा नाम प्रोफेसर गौरव वल्लभ है। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ और वर्तमान में कर्नाटक राज्य का मीडिया इंचार्ज हूँ AICC की तरफ से। बीदर के युवा कांग्रेस नेता एहसान कमाल परवेज को बीदर जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। एहसान कमाल परवेज कई सालों से कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहे हैं। इनकी इन सेवाओं को देखते हुए कर्नाटक वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर खंडरे के आदेश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसवराज जोपशेट्टी ने इन्हें पार्टी का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। इस अवसर पर एहसान कमल परवेज ने मीडिया से बात करते हुए ईश्वर खंडरे, बसवराज जोपशेट्टी, रहीम खान और विजय सिंह का धन्यवाद दिया। बताते चले कि एहसान कमल परवेज बीदर के पूर्व विधायक मोहसिन कमाल परवेज के सुपुत्र हैं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की कवरेज। आज मुझे सदर जिला कांग्रेस कमेटी श्री बसवराज जयशेट्टी ने बीदर जिला कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट साबिक रियासती वजीर श्री ईश्वर खंडरे जी के आदेश पर श्री बसवराज जयशेट्टी साहब ने मुझे जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से नामजद करते हुए अहकाम जारी किए हैं। कल श्री ईश्वर खंडरे जी, श्रीमान बसवराज जयशेट्टी जी, अली जनाब रहीम खान साहब, श्री अरविंद कुमार अरली जी MLC, श्री अमृत चमकोर जी के हाथों मुझे जनरल सेक्रेटरी के अहकाम हवाले किए गए। इसके लिए मैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर श्रीमान DK शिवकुमार जी, वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीमान ईश्वर खंडरे जी, सदर जिला कांग्रेस कमेटी बसवराज जयशेट्टी जी, रहीम खान साहब, अरविंद कुमार अरली जी, राजशेखर पाटिल जी, विजय सिंह जी और तमाम कांग्रेस के आला कायदीन, सीनियर और जूनियर कारकुनान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं
आप तमाम की रहनुमाई में सख्त मेहनत के जरिए। विदर की शिवनगर में स्थित लक्ष्मी लॉन्ज में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने एक प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें बेंगलुरु से कर्नाटक क्रिश्चियन डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन आए कैनेडी शांत कुमार ने मीडिया से बात की और बताया कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के डेवलपमेंट वर्क को देखते हुए इस बार उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने का विचार किया है और बीदर नॉर्थ में ईश्वर सिंह ठाकुर का समर्थन करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर भारी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग उपस्थित थे। समस्त बीदर जनता के भारतीय जनता पक्ष वतलू नम मीडिया बंद नानु स्वागत कौरते मट मोदल जिले के नम बीदर जिले के आगमंत सन्मान्य शांत कुमार कैनडी राज्य क्रेस्त अभिवृद्धि समितिया चेयरमैन आंतरी नानु हृत्पूर्वक स्वागत कौरते जो नम जो बीदर जिले मैनारीटी मोर्चा सेक्रेटरी आद सन्मान्य जीतोवरी सह स्वागत कौरते जो बंगलूरी आगमंत सन्मान्य मार्टिन सर और सह स्वागत कौरते जो इलेद नम पास्टर वृंदू सह नानु स्वागत कौरते प्रिय बंधु इवतु नम बीदर जिले इडी कर्नाटकदल नम विधानसभा चुनाव नड़ता है। ये बीदर जिले बीदर डिस्ट्रिक्ट में हमारा मेरा क्रिश्चियन समुदाय क्या है, वो क्रिश्चियन समुदाय का वो सपोर्ट लेने के लिए हमें इधर आया है। क्रिश्चियन समुदाय अभी बहुत जागृत हुआ है क्योंकि क्रिश्चियन समुदाय को बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पार्टी चुपके धोखा दे के आ रहा है, क्या कि काम ही कर रहा नहीं। पहली बार 2011 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी क्रिश्चियन समुदाय को एक सेपरेट एक प्रत्येक एक समिति बना के 50 करोड़ दिया है। बाद में वो 50 करोड़ 65 हुआ है 65-90। बीदर नॉर्थ से बीजेपी के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर ने आज बीदर के चौबारा के समीप स्थित पांडुरंग मंदिर के करीब वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 10 तक पैदल दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और उन्हें वोट देने की अपील की। इस अवसर पर उनके साथ भारी संख्या में लोग पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर ने सभी लोगों में पंपलेट वितरित किए। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर ने मीडिया से बात भी की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की कवरेज। जय श्री राम। आज सवेरे बीदर के पुराने भाग में वार्ड नंबर 1 से लेकर 10 वार्ड तक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माने सूर्यकांत जी सटकार जी मामा और NR वर्मा जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी मिलकर के वार्ड नंबर 1 से लेकर 10 तक आज हम हर एक घर को जा कर के भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने की अपील कर रहे हैं और सारे लोग माताएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आश्वस्त कर रहे हैं, उन्होंने इरादा बना लिया है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ पर जीतेगी क्योंकि बहुत दिन हो गए 1999 से लेकर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज नहीं लहराया है और बीदर के सभी हिंदुओं ने यह स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पर अगर समाज सुरक्षित रहना है, लोग अगर स्वाभिमान से रहना है तो केवल एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, राम राज्य को बीदर में लाने का यहाँ के लोगों ने इरादा किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और भारी बहुमत से मुझे वोट दे करके यहाँ पर हम भगवा और बीजेपी का झंडा लहराएंगे। बसो कल्याण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सिंह ने बाबरबाग का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट देने की अपील की और उनके लिए दिल लगाकर काम करने की भी अपील की। यहां पर रॉयल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से विजय सिंह का भव्य स्वागत किया गया। बसो कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। 31वें वार्ड में जो आज प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें आए हुए हमारे अनवर भाई, हमारे असलम भाई, अनिल भाई हैदराबाद से आए ना, बाप भाई हमारे एजाज लातूरे हैं, यहाँ पर रईस हैं, फिर हमारे पहलवान साहब हैं,
शेरा भाई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुस्तफा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हम लोग आ रहे थे, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया उनके लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं है लगता है, तो अच्छा है। तो आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करिए सब लोग, है ना, क्या ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा एक्साइटमेंट ना करो, काम होना है, आवाज़ कम होना है। ये क्या हो रहा, आवाज़ ज़्यादा हो रहा क्या जी? काम हो रहा है, काम कम हो रहा, हाँ आवाज़ ज़्यादा हो रहा, आवाज़ ज़्यादा नहीं होना, आवाज़ कम, किसको मालूम नहीं होना कि काम नहीं हो रहा, तुम आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा, तो आवाज़ कम करो, काम ज़्यादा करो, एक बात। दूसरा बात, अब रईस भी बोले कि टेंथ को बहुत काम करना है, वो तो करना अच्छा करेक्ट है, लेकिन आज से ही कुछ काम करना है वार्डों में। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मनल्ली गांव में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक खेली ने रोड शो किया। इस रोड शो में मनल्ली गांव के लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि 2013 में निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं, मनल्ली गांव को विकास पथ पर लौटना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक खेणी को जिताना अनिवार्य है। इस अवसर पर नेता संजय खेणी, प्रकाश खेणी, प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर चन्ना शेट्टी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। एआईसीसी के राष्ट्रीय समन्वयक, अल्पसंख्यक विभाग प्रभारी, गुजरात के अहमदाबाद विधानसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक इंसाफ अली आजाद ने अचित गुप्पा में अल्पसंख्यकों की बैठक आयोजित की और 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राजशेखर बी पाटिल को वोट देकर भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस अवसर पर कांग्रेस के काउंसलर दिलीप कुमार बगदलकर, काउंसलर मुजफ्फर अली पटेल, काउंसलर हबीब छिणमेलाख व पार्टी के कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इंचार्ज गुजरात और अभी ऑब्जर्वर हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटक इलेक्शन। आदरणीय इमरान प्रताप बड़ी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सांसद राज्यसभा के दिशा निर्देश अनुसार आज मैं हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के चितगुप्पा तालुका में हूँ और यहाँ पर आज जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की हमारी मीटिंग ली, यहाँ के वासिंदों से बातचीत हुई और उनके जो मसले मसाइल थे उनको सुने और उस पर विचार विमर्श करने के बाद में इन सबको आह्वान किया कि आप लोग जो है वो राजशेखर पाटिल साहब को जो है अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनावें और सारे जो है वो शिकवे गिले भूल के जो विधि विधान है उस विधि विधान के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। कहीं पर अगर जनरल सीट है तो उस जनरल सीट पर माइनॉरिटी के कैंडिडेट को उतारने के लिए, कैंडिडेट का चुनाव लड़ाने के लिए
कांग्रेस संकल्पित है और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता पार्टी साहब आगे होके खड़े रहकर कांग्रेस के आदमी को चुनाव लड़वाएंगे। जो बीजेपी सरकार की जानिब से मोदी रिजर्वेशन कैंसिल किया, उस बारे में आप क्या मुसलमानों को पैगाम? कांग्रेस सरकार हमेशा से मुसलमानों के अकलियत के लिए पलक पावड़े बिछाकर रही है। कांग्रेस सरकार ने इस हिंदुस्तान में 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया। उस 15 सूत्री कार्यक्रम में ये व्यवस्थाएँ दी गई थी और आज भी दी हुई हैं कि जिला कलेक्टर की एक समिति रहेगी, उसमें माइनॉरिटी का आदमी रहेगा। जिला एसपी की एक कमेटी रहेगी, शांति समिति की मान लो या समझौता समिति मान लो, उसमें माइनॉरिटी का आदमी रहेगा। अमूमन जो है पूरे स्टेट में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने अपने लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए और चुनाव से आगे बढ़ाने के लिए माइनॉरिटी के लोगों को 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत सारे जो भी योगदान दे सकते हैं वो दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे पर पुनः विचार करने को तैयार हो गए। एनसीपी के 18 सदस्यीय कोर कमेटी ने वाईबी चव्हाण सेंटर में शुक्रवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से शरद पवार को इस्तीफे को मंजूर कर दिया। उनसे पार्टी का नेतृत्व करते रहने का अनुरोध किया। राकांपा नेता छगन भुजबल ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, हमने कमेटी में हुई चर्चा और उसकी रिपोर्ट पवार साहब को दे दी। हमने उन्हें कार्यकर्ताओं की भावनाओं, देश भर से अलग अलग पार्टियों के नेताओं के आ रहे फोन के बारे में भी बताया। हमने उनसे विनती की है कि वो इस पर सकारात्मक निर्णय लें। उन्होंने कुछ समय मांगा है, उसके बाद अपना फैसला बताएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके में हुए मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक घायल जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि जिंदगी और मौत की इस जंग में वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। वहीं ऑपरेशन के दौरान 3 जवान घायल हो गए थे। फिलहाल इलाके में सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एक अधिकारी सहित 5 जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों को कमांड अस्पताल उधमपुर ले जाया गया था। राजौरी जिले के बनियारी पर्वतीय क्षेत्र के डोक में गोलीबारी हुई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू जोन मुकेश सिंह ने पुष्टि की थी कि कांडी वन क्षेत्र में मुठभेड़ चल रही है। राजौरी जिले के कंडी टोले के केसरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने बादशाह जैसा बंगला बनवाया है। उन्होंने कहा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद केजरीवाल ने क्या हासिल किया है। यहां पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ असली चेहरा दिखाने का नहीं है, विषय सिर्फ कटाक्ष का नहीं है, विषय उस दर्द का है, उस धोखे का है जो दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है। दिल्ली की जनता ने विश्वास किया था और मुफ्त के नाम पर उन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता को धोखा दिया है।
जिले के श्रीनादोपुर के अजीतगढ़ गांव में रहने वाले किसान की सब्जियां देश भर में मशहूर है। इसके पीछे उनकी सब्जियों का आकार और उनका वजन है, जिसकी डिमांड बहुत अधिक होती है। जैविक खाद की मदद से खेती करने वाले जगदीश प्रसाद पारिक आईआईटी और कृषि विश्वविद्यालयों में लेक्चर देते हैं, जिसके लिए विश्वविद्यालय बकायदा उनसे अपॉइंटमेंट तक लेते हैं। जैविक तरीके से खेती करने वाले जगदीश को लोग गोभी मैन के नाम से भी बुलाते हैं। जगदीश अब तक 6 राष्ट्रपति से मिल चुके हैं और मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को 12 किलो की गोभी भेंट कर चुके हैं। 75 वर्षीय जगदीश गांधीवादी तरीके से खेती करने में विश्वास रखते हैं और उनका मानना है कि फसल खराब होने पर सरकार या उसके किसी मुआवजे के भरोसे नहीं रहते, बल्कि खेती पर ज्यादा ध्यान देकर फसल की पैदावार को बढ़ाने पर जोर देते हैं। जैविक खेती से अपने खेतों में भारी भरकम सब्जियां उगाकर अब तक उन्होंने कई बड़ी हस्तियों को भेंट की है। साल 2001 में 11 किलो की गोभी उगाकर उन्होंने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। अब उनका मकसद खुद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन गौरव वल्लभ ने गुरुवार को बीदर का किया दौरा, जिला कांग्रेस कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीदर नॉर्थ से बीजेपी के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर ने आज बीदर के चौबारा इलाके का किया पैदल मार्च, लोगों से की मुलाकात, वोट देने की अपील। बसव कल्याण के कांग्रेस नेता विजय सिंह ने बसव कल्याण के बाबर बाग का किया दौरा। एनसीपी के बॉस बने रहेंगे शरद पवार, इस्तीफे पर विचार को हुए तैयार। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, 5 जवान शहीद, इलाके में इंटरनेट बंद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।